अगर वास्तविक रूप से अगर हम लोग अपना गेट को खोल दें तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। के जो लीडर है आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, कि सम्राट जी पर कोई वक्तव्य देना भी समझिए कि अपने चेहरे पर भी कादो लगा लेना है। वो जिस तरह का मतलब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी जितनी भी भर्सना की जाए वो कम होगा। कांग्रेस का अलायंस अगर हम लोग के साथ नहीं होगा तो क्या भाजपा के साथ होगा क्या? इस सब सवाल पूछने का लग रहा है क्योंकि पप्पू यादव उधर से कह रहे हैं कि मर जाएंगे नहीं छोड़ेंगे, उधर बीमा भारती भी है। नहीं, उनका समर्पण है पूर्णिया के प्रति, तो कोई भी बोलता है कि हम मर जाएंगे पूर्णिया के प्रति कौन बड़ा भारी बात है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ। असलम अब्बास, लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का इधर से उधर जाना शुरू हो गया है, लेकिन राजद की तरफ से कई नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाहरी नेताओं पर भी पार्टी ने विश्वास जताना शुरू कर दिया है। इसी बीच राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर राजद ने अपने दरवाजे खोल दिए तो जदयू पूरी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। दरअसल जदयू विधायक बीमा भारती ने राजद में शामिल होने का फैसला लिया था और अब चर्चाएं हैं कि वो लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी सवाल पर सुनील सिंह बोल रहे थे। इसके अलावा सम्राट चौधरी और पप्पू यादव पर भी क्या कुछ उन्होंने बोला है, जरा सुनिए। अगर वास्तविक रूप से अगर हम लोग अपना गेट को खोल दें तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। जो स्थिति जदयू पार्टी का हो गया और उसके जो लीडर है आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, तो अगर गेट खोल दे, चूंकि हमारे यहाँ इतने सीनियर लीडर हैं कि उनको एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है, जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन जदयू के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप यही समझ लाइन हम तो पहले बताए ना कि अगर हम लोग गेट को खोल दें तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जदयू पार्टी में कैसी खलबली मचेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे भाई लगातार कंटिन्यू वही तो हम बता रहे हैं, पूरे बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, उसमें भी महागठबंधन को बहुत सारे सीट देना पड़ता है, उसके अतिरिक्त हमारे पास ही इतने सीनियर लीडर हैं जिनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो जो स्थिति और परिस्थिति बना हुआ है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने गेट को ओपन कर दे तो समझिए कि उधर कुछ ही खाल मतलब उधर कुछ ही नहीं रह जाए। सम्राट चौधरी सम्राट जी पर कोई वक्तव्य देना भी समझिए कि अपने चेहरे पर भी कादो लगा लेना है। वो जिस तरह का मतलब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी जितनी भी भर्सना की जाए वो कम होगा, और उनके पार्टी के लोग ही उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किस तरह से खंडन कर रहा है लोग, आप समझ लीजिए कि पूरे उन्होंने समाज को कलंकित किया है। पूरे जो समाज में जो पुत्री है, जिसकी बेटी है, जो महिला है, पूरे देश के महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस का अलायंस अगर हम लोग के साथ नहीं होगा तो क्या भाजपा के साथ होगा क्या? इस सब सवाल पूछने का लग रहा है क्योंकि पप्पू यादव उधर से कह रहे हैं कि मर जाएंगे नहीं छोड़ेंगे, उधर बीमा भारती भी है। नहीं, उनका समर्पण है पूर्णिया के प्रति, तो कोई भी बोलता है कि हम मर जाएंगे पूर्णिया के प्रति कौन बड़ा भारी बात है, इसका मतलब थोड़े आप कयास लगा लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कारण ऐसा नहीं है। आप लोग खाता नहीं खोलना, 40 के बदले 45 सीट का जीत जाता रहे भाई, अब और क्या बोलेगा कि हम सब सीट हार रहे हैं? वो बोलेगा ना भाई, अंतिम दम तक बोलेगा कि हम 40 सीट जीत रहे हैं। तो अभी आपने राजद एमएलसी सुनील सिंह को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि राजद में सभी दलों के नेता के साथ साथ जदयू के जितने नेता हैं सब आना चाहते हैं, हालांकि हमारे पार्टी यानी कि राजद में इतने वरिष्ठ और मजबूत कद्दावर नेता हैं कि हम दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वरना जदयू तो पूरी पार्टी ही राजद में विलय कर जाएगी। साथ ही साथ सम्राट चौधरी के बयान रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने पूरे महिलाओं और बेटी को अपमानित किया है, और पप्पू यादव और भाजपा के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन एक जो है पहले से सोची समझी गठबंधन है, यानी कि प्राकृतिक रूप से गठबंधन है। पप्पू यादव राजनीति में है, वो अपना राजनीति में राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से समर्पण की बात कर रहे हैं, कहीं कोई टकराव की बात नहीं है। बताते चले आपको कि पप्पू यादव पूर्णिया से पहले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और इधर बीमा भारती की भी मजबूत दावेदारी देखी जा रही है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब देखना होगा कौन पूर्णिया के मैदान में उतरता है, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह ने साफ साफ कर दिया है कि राजद में सभी नेताओं के आने का होड़
लगा हुआ है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर भेजिए। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।